कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है? सबने सुना है, और पता नहीं कितनी बार सुना है। कभी सोचा है कि सिंपल से डायलॉग का क्या असर होता है हमारे माइंड के ऊपर? क्योंकि किसी भी चीज में आज आप बोलते रहोगे ये मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप क्या बोलने लग जाओगे? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब द एंड। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, इसने क्या किया हुआ है, हम सबको पकड़ करके रखा हुआ है एक रस्सी की तरह, बांध करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्कस में हाथी होता है ना, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा सा होता है। तो वो हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है, बेचारा नहीं तोड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, नहीं तोड़ पाता। तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया, वो चाहे तो एक रस्सी को नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि ऐसी हजार रस्सियों को तोड़ सके, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई धीरे से जाए और उस हाथी के कान में बोल दे, अरे वो हाथी तेरे में ताकत है, एक बार कोशिश करके तो देख, तू तोड़ सकता है। तो उस हाथी को कितनी देर लगेगी उस रस्सी को तोड़ने में? 1 साल, 2 साल, 10 साल? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। यही होता है, जितने भी बिलीव्स जो किसी झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती हैं, टूटने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता। सेकेंड, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लेजी क्यों हैं और लेजी हम कब होते हैं। आज यहां पर सेशन के लिए आना था, कितने लोगों के अंदर लेजीनेस थी यहां पर आने की? था कोई तो होगा, मतलब आलस आ रहा था, यार सेशन में जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग हैं जिनको रात को नींद भी नहीं आई ढंग से? लोग क्या हो रहा है, मतलब लेजीनेस तो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रही, मतलब इतने एक्साइटेड थे कि सुबह का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और जब सुबह उठे अलार्म से पहले ही कितने थे जो उठ गए अपने आप ही, देख लो क्या हो रहा है ना। और यही अगर कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो 5 मिनट और है, अब मैं राउंड फिगर करूंगा, अब 7 बजे, अब ये, अब वो, फिर जब पीछे से गालियां पड़नी शुरू होती है, कितना रोज का यही है, तब हम उठ करके खड़े होते हैं, होता है ना। तो हाँ, सोए नहीं आप देखो, और अभी भी नींद नहीं आ रही है, अभी भी कोई आलस नहीं है, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो, यहां पर कहीं कोई लेजीनेस नहीं नजर आती। नहीं, कितने घंटे दिन में थकते हो क्या? आंखें थक जाती हैं, हाथ थक जाते हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, पड़े होते हैं एक अलग सी पोजीशन में, और बॉडी थक जाती है, आंखें थक जाती हैं, लेकिन मन नहीं थकता। वहां पर लेजीनेस नहीं, वहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, अरे बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा। एक तरफ हमारा इंटरेस्ट है, एक तरफ नहीं है। आज का दिन इंटरेस्टिंग है, हर दिन को ऐसा क्यों नहीं बनाते, हर दिन कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो कुछ नया हो, कुछ मजेदार हो, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ ऐसा हो जो आपका अंदर से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वो सब आप एक्सप्लोर कर पाओ और मरते दम तक कर पाओ, ये नहीं कि एक लेवल पे जाकर के रुक गए, आज मैं एक जगह पर पहुंचा हूं, लेकिन अभी भी डेली मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा, अपनी एक नई साइड को देख रहा, एक नए संदीप को डिस्कवर कर रहा डेली,